हेलो बच्चों लेट अस रीड दिस क्वेश्चन मैच द करस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऑफ कॉलम वन विद द कॉलम टू वेयर एम इज द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द मिरर तो इस क्वेश्चन में हमारे पास कॉलम वन में मैग्निफिकेशन का वैल्यू गिवन है और कॉलम टू में हमें मिररर uh, एंड जो इमेज बनेगा उसका टाइप गिवन है तो हमें मैच राइट आंसर्स को मैच करना है तो so, यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे वो होगा मैग्नीफिकेशन तो हमें पता है फॉर मिरर जो मैग्नीफिकेशन होता है उसको हम लोग एम से डिनोट करते हैं और ये होता है माइनस वी अपॉन यू के इक्वल जहाँ पे वी जो है ये हमारा इमेज का डिस्टेंस होता है और यू जो है ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है तो हम लोग क्वेश्चन uh, के अकॉर्डिंग चेक करते हैं तो कॉलम टू की अगर बात करें तो हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है वी कैन सी दैट फॉर कॉन्वेक्स मिरर कॉन्वेक्स मिरर हमें पता है कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो मैग्निफिकेशन होता है ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है एंड मैग्निफिकेशन का जो वैल्यू होता है ये जीरो टू वन के बीच में लाए करता है सो so, हम लोग लिख सकते हैं इट विल बी अ पॉजिटिव वैल्यू एंड इट विल लाई बिटवीन जीरो एंड वन सिमिलरली कॉन्केव मिररर के लिए वी कैन सेव कॉन्केरर के लिए जो मैग्निफिकेशन होता है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इट विल बी ग्रेटर देन जीरो और लेस देन जीरो थर्ड जो है ये हमारा रियल इमेज लिखा है रियल इमेज तो हम लोग कह सकते हैं कि जो रियल इमेज होता है वो ऑलवेज इन्वर्टेड होता है सो so देयर जो मैग्निफिकेशन का वैल्यू आएगा फॉर रियल इमेज ये नेगेटिव होगा दैट मीन्स लेस देन जीरो सिमिलरली तो वर्चुअल इमेज होता है वर्चुअल इमेज जो होता है ये ऑलवेज इरेक्ट होता है तो इसलिए मैग्निफिकेशन का जो वैल्यू आएगा फॉर ए वर्चुअल इमेज ये पॉजिटिव होगा तो हम लोग कह सकते कि एम विल भी ग्रेटर दैन जीरो तो अगर हम लोग अभी वन बाय वन कॉलम वन की एंट्रीज चेक करें तो फर्स्ट हमें क्या दिया हुआ है एम इज माइनस सो so, पहले हम लोग देख सकते कि साइन जो है ये नेगेटिव है दैट मीन्स इट विल बी अ रियल इमेज एंड हमारा जो मैग्नीट्यूड है ये ग्रेटर देन वन है ग्रेटर देन वन है सो वी कैन से दैट कि ये जो है कॉनकेव मिरर का एग्जाम्पल हो जाएगा कॉनकेव मिरर। सो ए के लिए जो हमारा ऑप्शन आएगा वो आएगा टू कॉमर थ्री वाला चेक करते हैं तो बी वाले में क्या दिया है एम इक्व टू माइनस हाफ अगेन हमारे पास एम जो है ये नेगेटिव है दैट मीन्स इमेज जो होगा वो रियल इमेज होगा देन अगर मैग्नीट्यूड चेक करें तो मैग्नीट्यूड हाफ है दैट मीन्स जीरो पॉइंट फाइव बट ये जो है मैग्नीफिकेशन हमारा नेगेटिव है और हमें पता है कॉन्वेक्स मिरर के लिए मैग्नीफिकेशन ऑलवेज पॉजिटिव होता है तो इसलिए हम लोग कह सकते कि ये अगेन हमारा कॉन्केव मिरर का एग्जाम्पल हो जाएगा तो सेकेंड वाले के लिए भी हमारा जो ऑप्शन आएगा वो होगा टू कॉमा थ्री दैन सी वाला ऑप्शन चेक करें तो सी वाले में हमें एम जो है ये पॉजिटिव टू दिए सिंस एम एम जो है साइन जो है उसका पॉजिटिव है इसलिए जो इमेज होगा ये वर्चुअल इमेज बनेगा एंड मैग्नीट्यूड जो है ये ग्रेटर देन वन है सो so ये अगेन कॉनकेव मिरर का एग्जाम्पल होगा तो वी कैन से दैट सी के लिए जो ऑप्शन आएगा वर्चुअल एंड कॉन्केव तो कॉन्केव टू है वर्चुअल फोर है तो ये होएगा टू कॉमा फोर एंड डी वाला अगर चेक करें तो डी वाले में हमें क्या दिया है एम जो है ये रूट टू अपॉन रूट थ्री के इक्वल है अगेन एम जो है ये पॉजिटिव है दैट मीन्स ये वर्चुअल इमेज बनाएगा एंड अगर मैग्नीट्यूड निकाले इसका तो वी कैन सी की जो डिनमिनेटर है हमारा वो बड़ा है न्यूमोरेटर से तो इसका जो वैल्यू आएगा ये लेस देन वन आएगा तो इट इज लाइंग बिटवीन जीरो एंड वन एंड इट इज पॉजिटिव सो वी कैन से दैट ये जो ये जो मिरर होगा ये कॉन्वेक्स मिरर होगा कॉन्वेक्स मिरर सो डी के लिए जो ऑप्शन मैच होगा वो होगा वर्चुअल एंड कॉन्वेक्स तो ये आएगा वन कॉमा फोर सो ए के लिए हमारा टू कॉमा थ्री बी के लिए टू कॉमा थ्री सी के लिए टू कॉमा फोर एंड डी के लिए वन कामा फोर सो ऐसा ऑप्शन हम हमें किस में दिख रहा है तो ऑप्शन ए हमारा राइट right आंसर हो जाएगा तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लव